बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। कुछ दिनों पहले अभिनेता अर्जुन कपूर और रणवीर कपूर आगरा में फिल्म निर्माता लव रंजन की शादी में शामिल हुए थे। दोनों पहली बार एक साथ ताजमहल देखने भी गए थे। अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ताजमहल के साथ आलिया के प्रेमी रणवीर कपूर की एक तस्वीर साझा की और लिखा, जब रणवीर कपूर का कलाकार ताज और मुझसे प्रेरित होकर उभरा। जैसे ही अर्जुन ने ये पिक शेयर किया, अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, हा हा आखिरकार आप दोनों ने ताज देखा। जवाब में अर्जुन ने कहा, रकुलप्रीत उसने इसे आलिया के साथ जाने के बजाय पहले मेरे साथ देखा, उसके बाद लाफिंग इमोजीज। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में रणवीर की ताजमहल की तस्वीर के बारे में पूछे जाने पर और जल्द ही वहां जाने की योजना बनाने वाले सवाल पर आलिया शर्मा गई और कहा, हा 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 अर्जुन एक कार्टून है, रणवीर अब वापस आ गए हैं, अभी ताजमहल जाने की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद आई, वह बहुत ही प्यारी है। आलिया और रणवीर कई सालों से डेट कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी से जुड़ी खबरें इंटरनेट पर छाई हुई है। सूत्रों के माने तो शादी की तारीख की घोषणा जल्द ही हो सकती है, क्योंकि कपूर परिवार नए कृष्णराज घर के जल्द कंप्लीट होने की उम्मीद कर रहा है, ताकि आलिया और रणवीर का गृह प्रवेश नए घर में हो सके। कपूर परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया कि पूरा घर बनाने में 6 साल लगेंगे, हालांकि पहले 5 अपार्टमेंट तैयार है। टावर की पहली और दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट लगभग तैयार है और माना जा रहा है कि ये रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और नीतू कपूर के हैं। सूत्र ने खुलासा किया कि साथ ही बाकी के अपार्टमेंट को किराए पर दिया जाएगा। फिल्म की बात करें तो आलिया भट्ट की आने वाली फिल्मों में RRR, डार्लिंग, करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ शामिल है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर बताएं और बाकी अपडेट के लिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ बने रहें।